दोस्तों नमस्कार। आज की इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप SBI अकाउंट यूज करते हैं उसमें ईमेल वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप अपने अकाउंट में ईमेल वेरिफिकेशन करते हैं तो जैसे OTP हो गया, अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसका नोटिफिकेशन, अगर आप स्टेटमेंट देखना चाहते हैं वो भी आपका ईमेल पर आ जाएगा, और बिजली बिल पे करना चाहते हैं या टिकट बनाना चाहते हैं ईमेल पर भी सब आपका आ जाएगा, ईमेल पर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आप ईमेल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं SBI अकाउंट का, घर बैठे आप ऑनलाइन जो है ईमेल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पे onlinesbi.com लिख लेना है और इसका जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट आप क्लिक करके आ सकते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए पर्सनल बैंकिंग है, तो जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे फिर से कंटिन्यू टू लॉगिन बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यूज़र नेम, इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड, उसके बाद ये जो कैप्चा देख रहे हैं इस कैप्चा को यहाँ पे आपको इंटर करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और जैसे ही करेंगे क्लिक तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो आपके खाते से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पे इंटर करना है, उसके बाद ये सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों OTP देने के बाद चलिए हम सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं। और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस आ चुका है। तो यहाँ पे आपका जो है ईमेल के लास्ट के कुछ डिजिट भी देखेंगे, तो यही ईमेल आपको वेरीफाई करना है जो आपके खाते से लिंक है। तो चलिए यहाँ पे वेरीफाई नाउ पे हम क्लिक करेंगे और ऐसा करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड मांग रहा है, तो अगर आपके पास प्रोफाइल पासवर्ड है तो आप दे दीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं क्या प्रोफाइल पासवर्ड तो मैं आपको उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप प्रोफाइल पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप चलिए हम प्रोफाइल पासवर्ड दे देते हैं, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो प्रोफाइल पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं और जो आपके ईमेल वेरिफिकेशन जो पहले से ईमेल आईडी होगा तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। अगर बदलना चाहते हैं, आप नया देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नया भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो चलिए अगर हम नया देना चाहते हैं तो इसको यहाँ पर कट कर देते हैं और हम नया वेरीफाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम न्यू ईमेल आईडी दे चुके हैं, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। और सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इंटर हाई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन पासवर्ड रिसीव इन योर ईमेल एड्रेस, यानी कि जो आप ईमेल दिए हैं उसमें एक OTP के माध्यम से ही आप समझिए आपके OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पे इंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे अप्रूवल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ईमेल ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए आ चुका है OTP फॉर अपडेट ईमेल। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस पेज को ऊपर करेंगे में ईमेल OTP, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद PDF है तो यहाँ पे PDF पे क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका पासवर्ड मांगा जाएगा, तो आप घबराइए मत, जो भी आपके खाते से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो वही मोबाइल नंबर आपको देना है, यानी कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे देके उसके बाद ओपन बटन पे क्लिक कर देंगे, वही आपका पासवर्ड हो गया, यानी कि जो आपके खाते से मोबाइल नंबर लिंक है वही आपका पासवर्ड हो गया। पे पासवर्ड देने के बाद ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे चलिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे इस जगह हाई सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन पासवर्ड पर। तो चलिए हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो हमको टाइप करना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पे टाइप कर चुके हैं, उसके बाद अप्रूवल पे क्लिक कर देंगे। और अप्रूवल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको कह रहा है सेलेक्ट द अप्रूवल टाइप, तो आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं अप्रूवल या OTP के द्वारा करना चाहते हैं जो आपके खाते से मोबाइल नंबर लिंक है, तो हम OTP के द्वारा करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक पासवर्ड आएगा, तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे इंटर करना है, उसके बाद कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। देने के बाद कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे। तो ऐसा करने के बाद आपके सामने में देखिए यहाँ पे लिखा आ गया, हम आपको लाइव करके दिखाएं कि ईमेल एड्रेस अपडेट सक्सेसफुली। तो दोस्तों आप इसी तरीके से ईमेल वेरिफिकेशन कर सकते हैं SBI अकाउंट में, आप अपने अकाउंट में। तो अब कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, जैसे ट्रांजैक्शन अगर आपको स्टेटमेंट निकालना है तो आपके ईमेल पे आ जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर OTP आता है तो OTP भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई टिकट बुक करते हैं वो भी टिकट आपके ईमेल पर आ जाएगा, तो वो बहुत सारा सुविधा है जो कि आपको ईमेल पर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आए, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।